जम्मू में तिरुपति बालाजी के भव्य और दिव्य मंदिर का शुभारंभ, भक्तों में नजर आया गजब का उत्साह। जम्मू में आम जनता के लिए आज से खुले तिरुपति बालाजी के कपाट, दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, जम्मू में लाखों श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। आंध्र प्रदेश से आए पंडितों ने पूजा अर्चना की, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान वेंकटेश्वर की 8 और 6 फीट की मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गईं। नए तिरुपति बालाजी मंदिर की रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से भव्य सजावट, गर्भगृह में दिखी भगवान वेंकटेश्वर की मनमोहक छवि। एलजी मनोज सिन्हा, टीटीडी अध्यक्ष वाईबी सुब्बा रेड्डी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। 62 एकड़ में 30 करोड़ की लागत से बना है भव्य मंदिर। केदारनाथ धाम भक्तों से गुलजार, श्रद्धालुओं ने बनाए नए रिकॉर्ड। 44 दिन की यात्रा में 8 लाख के पार भक्त पहुंचे केदारनाथ, दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी। हर दिन 25,000 यात्री पहुंच रहे केदारनाथ धाम, यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन अलर्ट। केदारनाथ मंदिर के पीछे की चोटी पर आया अवलॉन्च, भक्तों और यात्रा पर इसका कोई नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगा बाबा बागेश्वर का दरबार, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। कर्नाटक में 5 गारंटी योजनाओं में से गृह ज्योति और गृह लक्ष्मी योजना की आई तारीखें, गृह ज्योति योजना में 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, वहीं गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2,000 रुपए। 1 अगस्त को कलबुर्गी में गृह ज्योति योजना की शुरुआत होगी, 15 जून से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। किराएदारों को भी मिलेगा गृह ज्योति योजना का लाभ, देने होंगे अनुबंध पत्र और आधार कार्ड। 17-18 अगस्त को गृह लक्ष्मी योजना की होगी शुरुआत, बेलगावी से हो सकती है शुरुआत। गृह लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी दे सकते हैं आवेदन, खोले जाएंगे काउंटर्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान किया, कहा आज दुनिया हिंदुस्तान को विकास साझीदार के तौर पर देखती है। एस जयशंकर ने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया, कहा हमें पता है 2024 का नतीजा वही होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का राहुल गांधी पर हमला, बोले विदेश में घरेलू राजनीति पर बात करना ठीक नहीं। इंदिरा गांधी की हत्या पर निकली झांकी पर भड़के विदेश मंत्री, कहा अलगाववादियों को तवज्जो दे रही कनाडा सरकार। चीन को लेकर विदेश मंत्री की 2 टूक, जब तक सीमा से सैनिकों की वापसी नहीं होती तब तक दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। दिल्ली सरकार के छात्रों को बड़ी सौगात, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईस्ट दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। एलजी वीके सक्सेना ने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के परिसर में किया पौधारोपण, आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस को बनाया इको फ्रेंडली। अरविंद केजरीवाल ने कहा देश का बेस्ट कैंपस है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की शिक्षा में 8 साल में काफी बदलाव हुआ। यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस के उद्घाटन में बीजेपी आपका क्रेडिट वॉर, लगे मोदी केजरीवाल किनारे। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंपस के बाहर प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं के साथ सांसद गौतम गंभीर मौजूद रहे। आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, 6.5% पर बरकरार रहेगी। महंगाई दर में कमी की वजह से आरबीआई ने नहीं बदला रेपो रेट, आरबीआई ने ब्याज दरों को बरकरार रखा। आरबीआई ने कर्ज नीति का ऐलान किया, साल 2023-24 में महंगाई लक्ष्य से ऊपर रह सकती है, महंगाई दर 5% से ऊपर रहने का अनुमान। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा चालू खाते का घाटा हुआ कम, विदेशी मुद्रा भंडार अच्छी हालत में। क्रेडिट ग्रोथ रेट में आई जोरदार तेजी, भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी कायम है, 2023-24 में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान। ऋषिकेश में गंगा नदी के टापू पर फंसा व्यक्ति, पुलिस ने बोट संचालकों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर बाहर निकाला। क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, मंदिर परिसर में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। पुणे में कीर्तन कार्यक्रम में लीन नजर आई सांसद सुप्रिया सुले, भक्तिमय माहौल का आनंद लिया,
कीर्तनकारों की सराहना की। भिवानी की अंकिता ने खेलो इंडिया में जूडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। 27 साल बाद भारत करेगा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी। अक्टूबर में दिल्ली में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। बलरामपुर के आदिवासी इलाके की बेसबॉल खिलाड़ी अंजलि कनाडा में करेंगी देश का नाम रोशन। दिसंबर में होने वाली प्रतियोगिता में लेंगी हिस्सा। नर्मदा में किसानों ने फसलों को जानवरों से बचाने के लिए खास उपाय किए। खेतों के चारों तरफ लगाई रंग बिरंगी लाइटें। हरिद्वार जेल में कैदियों के लिए भजन का आयोजन किया गया। गायक कन्हैयालाल मित्तल के भजन पर जमकर झूमे कैदी। पलामू के दो दिन के दौरे पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। लातेहार में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसान मंच कार्यक्रम में हिस्सा लिया। किसानों और विभिन्न संगठनों के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज परिसर में पहुंचे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। परिसर का जायजा लिया। शूटिंग गन पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आजमाया हाल। शूटिंग गनों के बारे में जानकारी दी। कांगड़ा में 7 चिन्हित स्थानों पर बचाव तथा राहत कार्यों को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। लोगों को बचाव के बारे में जानकारी दी। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। रियलमी 11 प्रो 5G सीरीज लॉन्च किया गया। रियलमी का ये नया मोबाइल कई स्मार्ट और लेटेस्ट फीचर्स के साथ पेश है। महज 25 मिनट में फुल चार्ज होगा मोबाइल। इस सीरीज का कैमरा भी है खास। लव जिहाद के खिलाफ VHP की दुर्गा वाहिनी ने शहर में निकाला शौर्य संचालन। हाथों में तलवार और लाठी लेकर निकाला मार्च। जयकारों से गूंजा संचालन मार्ग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेंटल हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। फ्री इलाज कराएगा रोटरी क्लब नॉर्थ दिल्ली। रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली में चरण स्पर्श अवार्ड सेरेमनी का आयोजन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। मॉनसून से पहले अलर्ट मोड पर महाराष्ट्र सरकार के मेघनाथ शिंदे ने नालों की सफाई के लिए एक नया हेल्प नंबर लॉन्च किया। अखनूर के गढ़खाल पंचायत में LG मनोज सिन्हा ने जल मिशन के ट्यूबवेल की नींव रखी। वहीं कबड्डी के खेल का आयोजन भी किया गया। शिक्षा के मोर्चे पर अच्छी खबर। दिल्ली के BR अंबेडकर स्कूल की नई बिल्डिंग का सीएम केजरीवाल ने उद्घाटन किया। स्वास्थ्य के मोर्चे पर अच्छी खबर। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने चाइल्ड केयर विंग का शुभारंभ किया। राजकोट पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। दो नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स का उद्घाटन किया। गुवाहाटी बना भारतीय सेना के लिए लॉजिस्टिक्स हब। नारंगी सैन्य स्टेशन इसमें निभा रहा अहम भूमिका। तरनतारन में BSF और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली। पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए नशीले पदार्थों की खेप जब्त की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान। आगामी दिसंबर जनवरी में होगी राम मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। बीजेपी नेता अविनाश खन्ना ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के विकास कार्यों का जायजा लिया। कहा श्री राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी पूजा। गुवाहाटी में कर्मचारियों के लिए कौशल रोजगार और उद्यमिता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। असम के मंत्री जयंत मलबरुआ ने की शिरकत। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। विस्तारा एयरलाइंस 22 जून तक कुल 46 हज उड़ानें संचालित करेगा। श्रीनगर में पहली राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने जमकर हिस्सा लिया। जमकर दाव पिच आजमाए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से 90 साल की बुजुर्ग महिला ने पेश की जिंदा दिल्ली की मिसाल। बेटी से मिलने के लिए 180 किलोमीटर का सफर ट्राईसाइकिल से तय किया। मुंबई पहुंचे जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस। नौसेना डॉकयार्ड में INS मुरमुआगाव का दौरा किया। चेन्नई के मरीना बीच पहुंचे सीएम स्टालिन। कलाइंगर स्मारक का उद्घाटन किया। धूमधाम से मनाया जा रहा वर्ल्ड ओशन डे। चेन्नई में बीच क्लीनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते देखे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की पहल। बालासोर हादसे में मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी।
केरल में मॉनसून की दस्तक, राज्य के 95% इलाकों में हुई बारिश। जल्द ही मॉनसून की कर्नाटक और तमिलनाडु पहुंचने की संभावना, अगले हफ्ते उत्तर भारत पहुंचेगा मॉनसून। दिल्ली में अगले 4 से 5 दिन तक हीट वेव की आशंका नहीं है, हालांकि अधिकतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी जारी रहेगी। राजस्थान में 8 दिन देरी से आएगा मॉनसून, फिलहाल राज्य के कई शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री या इससे ऊपर चला गया है। मध्य प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं गर्मी, चक्रवात की वजह से मॉनसून की एंट्री लेट हुई। चेन्नई में एमके स्टालिन को डीएमके मंत्री शेखर बाबू ने भेंट की चांदी का सिंगुल, एम करुणानिधि की शताब्दी जयंती समारोह में किया सम्मानित। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला, कई विभागों के सचिव बदले गए। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ को गृह विभाग का नए अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। छपरा में केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने जमकर बीजेपी की तारीफ की, कहा आजादी के बाद ही बन जाती बीजेपी सरकार तो आज चीन और अमेरिका को भी टक्कर दे सकते थे। सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार मनोज तिवारी का आजमगढ़ में जोरदार स्वागत हुआ, लोगों से की दिनेश लाल निरहुआ को 2024 के इलेक्शन में जिताने की अपील। बिहार के मोतिहारी से अच्छी खबर, विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण 20 जून से शुरू होगा। करीब 3,76,000 वर्ग फीट का होगा रामायण मंदिर परिसर, मंदिर में स्थापित होगा 33 फीट ऊंचा शिवलिंग। हज यात्रियों का पहले जत्थे को श्रीनगर से रवाना, उपराज्यपाल के श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा को दिखाई हरी झंडी। मुंबई में मेट्रो के सफर करने वालों के लिए मौसम से जुड़ी अच्छी खबर, मॉनसून नियंत्रण कक्ष के जरिए उन्हें मेट्रो स्टेशन पर ही मिल सकेगा वेदर अपडेट। मुंबई मेट्रो स्टेशन पर बारिश की जानकारी मिलने से यात्री तय कर सकेंगे अपना सुरक्षित रूट, जाम और जलभराव की समस्या से नहीं पड़ेगा जूझना। बिहार के सीतामढ़ी में अनोखी जोड़ी की शादी चर्चा का विषय बने, 3 फीट के योगेंद्र ने 3.5 फीट की, करीब 3.5 फीट की पूजा से शादी रचाई। कानपुर के चौबेपुर में सड़क पर घूमता नजर आया तेंदुआ, वन विभाग अलर्ट। सूरत में 2 कारों में जबरदस्त टक्कर, कार में फंसी महिला को फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। असम के कामरूप में कोयले से लगी मालगाड़ी की 11 बोगी पटरी से उतरी, कोई हताहत नहीं। INLD की परिवर्तन यात्रा के सिरसा में हुई एंट्री, अभय सिंह चौटाला का चाहरवाला गांव में पार्टी समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। सीएम योगी ने KGMU के ट्रॉमा सेंटर में लखनऊ कोर्ट शूटआउट में घायल बच्ची का हाल जाना, फायरिंग में दूसरे घायलों से मुलाकात की। लखनऊ गोलीकांड में गैंगस्टर संजीव रीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, सीने में लगी 4 गोली, 2 गोली सीने के नीचे लगी। कोर्ट परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात, एंट्री गेट पर आईजी चेकिंग के बाद अंदर जाने की अनुमति। लखनऊ बार एसोसिएशन ने कोर्ट में घटना के खिलाफ काम के बहिष्कार का किया ऐलान, बुलाई बैठक। लखनऊ कोर्ट शूटआउट पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा क्या यही लोकतंत्र है, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। ओवल टेस्ट में मजबूत स्कोर की ओर ऑस्ट्रेलिया, पहली पारी में 469 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी शतक लगाया, 121 रन बनाकर आउट हुए। ट्रेविस हेड ने भी बनाए शानदार 163 रन, मोहम्मद सिराज ने किया आउट। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मिली 4 सफलता, वहीं मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर को मिले 2-2 विकेट। रविंद्र जडेजा का मिला 1 विकेट, उमेश यादव विकेट लेने में रहे नाकाम।